प्रिय छात्रों नमस्कार। आज मैं 12th क्लास के फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन है गॉस परिमेय क्या है सीधकर। देखिए इसका गॉस परिमेय क्या होता है दोस्तों। गॉस परिमेय के नियमानुसार किसी बंद सतह पर विद्युत क्षेत्र का फलक या विद्युत फलक सतह के संपूर्ण आवेश के 1/ε0 गुना होता है। फिर से सुनिए, गॉस परिमेय के अनुसार, ये नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा लेकिन लिख दीजिएगा तो एग्जामिनर को मतलब अच्छा लगेगा, इस मतलब अच्छा दिखने में लगता है तो वह आपको अच्छा नंबर दे देगा, काटेगा नहीं, तो इसलिए आप लिख दीजिएगा क्या जाता है। गॉस परिमेय के नियमानुसार किसी बंद सतह पर विद्युत क्षेत्र का फलक्स या विद्युत फलक सतह के संपूर्ण आवेश के 1/ε0 गुना होता है। इसे दोस्तों फाइ ई से दर्शाया जाता है, तो मतलब संपूर्ण आवेश मतलब क्यू के मतलब के हो गया, मतलब गुना 1/ इतने गुना होता है, मतलब 1/ε0 गुना होता है। दोस्तों मैथ में लोग बोलता है ना कि एक्स का 2 गुना, मतलब इससे में 2 से गुना कर देते हैं, या फिर एक्स का 10 गुना तो 10 से गुना कर देते हैं। वैसे ही मतलब कुल आवेश का मतलब 1/ε0 गुना, तो इसको गुना कर दिए, समझ में आ गया होगा। तो देखिए अब इससे सीध कैसे करते हैं हम। देखिए एक मैंने चित्र बना लिया जिसका डिफिनेशन लिखी हूँ। माना पी कोई बंद पृष्ठ है, मतलब इसका नाम जो एक गोला है इसको एक पी मान लिया। देखिए बंद है, ये कहीं से भी नहीं खुला है। उसके बाद जिसके ओ बिंदु पर मतलब इसका ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस एक क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर एक छोटा पृष्ठ डी ए मान लिया। तब देखिए इसका आर दूरी है ये, इसके बाद यहाँ पर मतलब आर दूरी पर डी ए मान लिए, मतलब छोटा पृष्ठ हमने मान लिया। उसके बाद दोस्तों देखिए हम इसके बाद मतलब सिद्ध कर रहे हैं कि कैसे इसका मतलब 1/ε0 गुना मतलब ये सूत्र कैसे आता है। तो चूंकि विद्युत फलक्ष के नियम से दोस्तों, विद्युत फलक्ष किसे कहते हैं तो सुनिए, विद्युत फलक्ष किसे कहते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा के संख्या को विद्युत फलक्ष कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखा के संख्या को विद्युत फलक्ष कहते हैं। दोस्तों विद्युत फलक्ष का ये सूत्र होता है, ये लिखिएगा भाई तो भी सही होगा, नहीं लिखिएगा तो भी, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाता है ई गुना कॉस थीटा डी थीटा। उसके बाद दोस्तों ई किसको सूचित करता है, विद्युत क्षेत्र के तीव्रता को। तो ई का इतना मान ही होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0, या के लिखिएगा तो चलेगा, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, ये नियतांक होता है q/r². इसके बाद मतलब ई का जो वैल्यू है, ई के जगह पर मैंने ये लिख दी। उसके बाद ये आगे लिखे चाहे पिछले कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए हम आगे लिख पीछे लिख देते हैं ऐसे। फिर cos थीटा, देखिए यहाँ पर हम लिख भी दी हूँ कि चूँकि ई बराबर 1/4 πe0 गुना के, फिर इसका 1/q/r². उसके बाद दोस्तों घन कोण की परिभाषा से, घन के कोण के परिभाषा से क्या होता है, घन कोण के परिभाषा मतलब dw, घन कोण को dw से सूचित किया जाता है। इसका परिभाषा मतलब dw बराबर मतलब इसका मान होता है cos थीटा या dA cos थीटा/r² तो वो हो गया दोस्तों, इसको कर दिया dθ बराबर इतना, तो cos थीटा डी थीटा तो इसका होता है मतलब ये देखिए हम कर दिए, धन कोण का ये मान होता है इतना, मतलब इतना धन कोण का मान होता है dw। यहाँ पर हम लिखे dφ, इसके बाद 1/ इसको ये छोड़ दी, फिर इसको मतलब इतना का इतना के जगह हम dw लिख सकते हैं। देखिए इसका मान होता है, यहाँ पर लिख दी हूँ मैं, चूँकि dw बराबर cos थीटा, इसके बाद ये dθ बराबर r², तो इसके जगह इसके बराबर इतना लिख सकते, तो इसके बराबर इतना नहीं लिख सकती, मान लीजिए कि अगर हम 2 बराबर 4 लिख सकते हैं, मतलब 2+2 = 4 लिख सकते हैं, तो 4 बराबर क्या 2+2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं वही dw बराबर cos थीटा डी थीटा, तो उसका मैं लिख दी dw बस, उसके बाद छोड़ दी। संपूर्ण पृष्ठ के लिए मतलब संपूर्ण पृष्ठ के dw से सूचित किया जाता है, इसका मान होता है आप याद कर लीजिए कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए 4π होता है, और मतलब अर्ध मतलब संपूर्ण नहीं छोटे के लिए 2π होता है। तो उसके बाद देखिए हम क्या लिखे, φe बराबर मतलब संपूर्ण पृष्ठ को φe से दर्शाया जाता है, उसके बराबर
फिर बराबर लिखे, जो ये मतलब ये है मेरे पास वो मैं लिख दी, उसके बाद क्यू लिखे, उसके बाद डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का वैल्यू मतलब फोर फाई है, अगर हम डी डब्ल्यू जहाँ पर होगा फोर फाई लिख सकती हूँ, फोर फाई जहाँ होगा वहाँ डी डब्ल्यू, तो यहाँ पर मेरा डी डब्ल्यू है, तो डी डब्ल्यू के वैल्यू मैं फोर फाई लिख दी, उसके बाद फोर फाई से फोर फाई कैंसिल हो गया, फिर फाई ई बराबर वन अपन इप्सिलॉन नॉट जीरो गुना क्यू हो गया। तो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन परिभाषा कि किसी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स उसके संपूर्ण आवेश के वन अपन ई, मतलब किसी बंद पृष्ठ से वैद्युत उसके वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण आवेश के वन अपन इफिनिंग नॉट जीरो होता है। तो हो गया परिभाषा के सूत्र, मतलब परिभाषा के अकाउंटिंग, वहाँ पर मतलब सूत्र जो की थी वो सिद्ध हो गया। फिर से दोस्तों एक विनती सुनिए या फिर सलाह कुछ भी हो, मतलब जो सर आपको टेंथ क्लास के फिजिक्स का मतलब वीडियो अपलोड करते हैं तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि 45% मतलब ट्वेल्थ में मैट्रिक का आता है, मिलता जुलता मतलब क्वेश्चन आता है। और आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, फैमिली का दाहिने हाथ का नियम और बाएं हाथ का, एक मैक्सवेल का भी नियम है, वो तीनों आप देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से वो बहुत मतलब वीवीआई होता है, वो पूछ भी सकता है। तो आई होप डैट कि आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।